और पहले दिन तो मेरे बर्थडे के दिन है 18 जुलाई को, उस दिन पहले तो मेरे को नाश्ता अच्छा हुआ था, और दूसरा दिन उसके नेक्स्ट दिन वो भोलेनाथ जो है वो नंदी में आए थे मेरे घर। तो मैं उसका उन लोग हमारी जो है फैमिली ने मेम्बर उन लोग पूजा पाठ किए, तो उस दिन भी नहीं आए। तीसरे दिन 18 जुलाई को ना सभी लोग मेरे घर में आ गए। आप मन के जो शरीर में कितने प्रकार के मतलब माता आए हैं? 11 तो कौन कौन से अमर दर्शक मतलब जो देखा था हाँ, हमारा ना पास? दुर्गा है, भोलेनाथ है, काली। अच्छा, तो मतलब कौन कौन से दिन आते हैं? सोमवार और गुरुवार। जम्मू संगवारी माला जय जोहार जी। छत्तीसगढ़ मोर जोहार मितान चैनल में स्वागत है, वेलकम है। संगवारी हो मोर जोहार मितान के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 36 प्रकार के धार्मिक स्थल दिखाता था संगवारी। तो संगवारी हो आज आए ना मन छत्तीसगढ़ के एक ऐसे कवर्धा जिला में एक कुंवारी माता हुआ जी, हाँ करवेना के नाम से प्रसिद्ध है, मतलब वहीं के रहने वाले। तुखड़ से गोड बात करबो, सबसे तो पहले आप मन ला हमारे जोहार मितान चैनल में स्वागत है, वेलकम है माता जी। तो माता जी आप मन थोड़ा अपना परिचय ला बताते हैं हमारे जो दर्शक मान ला, कहाँ रहता हो, का नाम है? मेरा नाम है कि खुबेश्वरी साहू, मैं खरबना कलश से हूँ। और घर में कौन कौन रहता? मेरे घर में मम्मी पापा दादी दादा भाई चाचा चाची सभी लोग रहते अच्छा, हैं। तो आप मन की पढ़ाई कहाँ तक हुई है? और मैं तो अभी मतलब 10th क्लास में हूँ। तो और मतलब अभी घर में रहन सहन कैसे है? ठीक मेरे रहन से तो ठीक है अभी। है, तो सर आप मन के जो कुंवारी माता के नाम से कैसे प्रसिद्ध हुई, से लोगन मला कैसे पता चली? देखो मेरे को तो पहले बहुत दिन हो गया मेरे को पूजा पाठ करते हुए, लेकिन अभी बीच में मेरा बहुत 1 महीने तक तबियत खराब था। मेरे को अच्छा पता भी नहीं था कि माता बकने वाला है, तो मैं हर जगह फुकवाने के लिए जाती थी और कहीं भी जाती थी। तो माता रानी एक दिन आए थे तो वो बोले कहीं भी फुकवाने मत जाओ, आपके पास माता रानी आ रहे हैं। उस दिन से मैं पूजा पाठ करने लगी और स्थापना भी करवा दी। अच्छा, तो मूर्ति आप मन स्थापना कहाँ से करवाए, कैसे करवाए? हाँ, मूर्ति मैं तो अपने गांव से उधर ही बनवाई हूँ। अच्छा मूर्ति स्थापना भी गुरुवार को है। अच्छा तो जो लोगन माला कैसे पता चली कि आप मन के ऊपर माता हाँ विराजमान हो? सुनो सुनो, पहले माता रानी बोले कि सभी तरफ फैला दो ये बात, उसके बाद आपके पास फुकवाने आएंगे, आप अच्छा अच्छे से अच्छा फुकू हर चीज करोगे, इस बात हर अच्छा चीज हो जाएगा। तो आप मन एकर से पहली नॉर्मल रहे होता दुर्गा माता की भक्ति करते रहे हो कि नहीं करते रहे? हाँ मैं करती थी, दुर्गा अच्छा का करती थी, भोलेनाथ का करती थी, अच्छा गणपति हर देवता का मैं पूजा पाठ करती। हमारे यहाँ मंदिर भी है, उसका भी मैं अच्छा अभी अच्छा पूजा पाठ करती थी। तो आप मन के जो शरीर में कितने प्रकार के मतलब माता आए हैं? 11 तो कौन कौन से अमर दर्शक मतलब जो देखा था हाँ, हमारा ना पास? दुर्गा है, भोलेनाथ है, काली। अच्छा, तो मतलब कौन कौन से दिन आते हैं? सोमवार और गुरुवार, सोमवार गुरुवार की, मतलब सोमवार की कौन सा देवी आते? भोलेनाथ। भोलेनाथ के। तो मतलब आज सोमवार है, हाँ तो तो सोमवार है। आज कौन सा भोलेनाथ का आए? हाँ भोलेनाथ के साथ साथ भी सभी देवी आ जाते हैं अच्छा, घूमने तो के लिए। आप मन के घर में आप मन के मंदिर में कतिक भीड़ रहती, कितना टाइम भीड़ रहती? हमारे यहाँ तो दिन भर आते हैं वैसे फुकवाने के लिए, रहते भी हैं भीड़। अच्छा, तो खास बात क्या है कैसे मतलब खास बात? सोमवार के आते हैं और मतलब आने दिन आते हैं तो? नहीं फूकती मैं उसको, अच्छा, सिर्फ सोमवार सोमवार गुरुवार भी उसको गुरुवार के, फूकती हूँ, तो सबसे गुरुवार भीड़ रहते हैं कि सोमवार के, दोनों। दोनों? मतलब आओ अपने गांव के लिए क्या क्या करना चाहते हैं? मैं अपने गांव को सुधारना चाहती हूँ असली अच्छा, बात। तो अपने गांव में क्या क्या कुछ गलत हो रहा है? हाँ हमारे गांव में तो हमेशा से गलत हो रहा है, अच्छा लेकिन आदमी लोग ऐसे बैठे आते हैं, माता रानी आए तो अभी से सुधरना नहीं है और पाप को तो बढ़ाना ही है। जैसे अभी भी आते हैं शराब पी कर घर में आने होते हैं, उसको माता रानी उन लोग खिदार देते हैं उसको। अच्छा, तो अपने गांव के लिए और क्या क्या करना है उसको थोड़ा बता देते हो विस्तार से? मेरे गांव को तो अच्छे से रखना है पहली बात, अच्छा हमारे गांव में जो संकट आ रहा है उसको दूर अच्छा करना है। हमारे गांव में जितना भी है बच्चे पापा हर चीज है हमारे फैमिली में, अच्छा उसको अच्छे से ठीक करना, अच्छा वही बात। तो अभी आप पे सुना ही है कि मतलब आपके गांव में 15 दुर्गा मारते हैं, तो हाँ उसके लिए क्या कहना है उसको थोड़ा बात रखो ना।
15 दुर्गा से ज्यादा भी रहते हैं, लेकिन दुर्गा में कभी कभी कुछ हो जाता है, वैसा संकट आना नहीं चाहिए। अच्छा, दुर्गा अच्छे से मढ़ाएंगे, अच्छे से पूजा पाठ करेंगे, तभी तो दुर्गा ठीक रहेगा ना। अच्छा, तो मतलब जैसे 15 दुर्गा मारते हैं, मूर्ति तो एक ही रहते हैं? मूर्ति तो एक ही है। तो एक ही दुर्गा मढ़ाए तो कैसे रहेगा? एक ही दुर्गा मढ़ाए तो और ठीक है, जो माता दिवाले में है वो भी स्थापना हुआ कब से, बहुत दिन हो गया, वही भी पूजा पाठ करेंगे तो भी अच्छा रहता है। और उतना ज्यादा रहता है उतना भक्ति नहीं होता ना? नहीं होता, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो माता रानी के सामने एक्टिंग भी करते हैं और अच्छे भी रहते हैं हमारे गांव। अच्छा। लेकिन ऐसे हमारे गांव में तो बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। नवरात्रि में। अच्छा, तो और आप मन का कहना चाहता, जो हमारे दर्शक मन देखा थे वो आने वाला है, जो दूर दूर से सब, उसका यही विनती है कि देखने आ सकते हैं। अच्छा, तो जिसे अभी कई लोग सोचते हैं कि मतलब ये फ्रॉड है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो माता रानी ही बताएंगे। अच्छा, वो तो हर चीज कर सकते हैं, तो कैसे नहीं करेंगे। आप मतलब कितना दिन हो गया है? मेरे को हो गया 2 महीना हो गया। 2 महीने? हाँ। तो सबसे फर्स्ट टाइम रात में आया कि दिन में आया माता रानी? मेरे को 7 बजे आया। अच्छा, तो मतलब कैसा पता चलता है कि माता रानी? जब माता रानी आई थी तो मेरे को बेहोश था, और वो माता रानी जो आए हैं वो मेरे ही घर से हैं, जो हमारे यहाँ देवता है, जो हमारा हर चीज होता है वही से आए हैं। हम लोग कल कला रहे थे, मैं तो मेरे को कुछ याद नहीं है। और पहले दिन तो मेरे बर्थडे के दिन है 18 जुलाई को, उस दिन पहले तो मेरे को नाक सांचा हुआ था, और दूसरा दिन उसके नेक्स्ट दिन वो भोलेनाथ जो है वो नंदी में आए थे मेरे घर, तो मैं उसका उन लोग हमारी जो है फैमिली मेंबर उन लोग पूजा पाठ किए, तो उस दिन भी नहीं आए। तीसरे दिन 18 जुलाई को ना सभी लोग मेरे घर में आ गए। अच्छा, और उन लोग पूछ रहे थे, मतलब इन लोग से बात किए कि मैं घर पे आ रही हूँ, मैं वहाँ कल खिला रही हूँ, हर चीज बहुत सारे बात कर रहे थे। तो इन लोग बोले कि आ जाओ यहाँ, किस लिए आ रहे हो? तो इन लोग बोले कि मैं सेवा, हर सबका सेवा करने के लिए आया हूँ, यही बात है। तो आपके घर में, आपके द्वार में माता रानी आए हैं, तो आपके फैमिली, आपके भाई बहनी मन मतलब जो का कहना चाहते हैं? उन लोग तो बहुत अच्छे से अच्छा फील करते हैं। अच्छा, तो और जैसे बाकी लोग क्या क्या फील देते हैं? देखो, दूसरे से तो मेरे को मतलब ही नहीं है, मेरे को सिर्फ अपने घर से ही मतलब है। दूसरा कुछ भी बोले मेरे को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी बोर है जो भोगेंगे ना बाद में, अभी बोर है तो बाद में भोगेंगे उन लोग। तो जैसे कि लंबा लंबा से अभी आ रहे हैं, उसके लिए क्या कहना? लंबा से आ, उसको भी मैं अच्छे से ट्राई करूंगी अपने हिसाब से, जो बन सके मेरे से मैं उसको हर चीज करूंगी। और अभी कितने दूर दूर से आ रहे हैं आपके जो? अभी तो बहुत दूर से आ रहे हैं, लोहारा से आ रहे हैं उधर, और इधर से बहुत दूर से आ रहे हैं। तो आप मन जाति बिराती अपना थोड़ा परिचय दे दो। मैं तो YouTube के माध्यम से पता चलते है कि कहाँ रहते हो, उनको बता दो डिटेल्स, ताकि हमारे जो भक्तन मन पहचान सके कि डायरेक्ट आ सके। मैं तो खरबना कला से हूँ, और मेरा नाम है कुंगेश्वरी साहू। मैं, आप लोग यहाँ आओगे तो यहाँ तो सभी को पूछोगे तो सभी बता देंगे, क्योंकि यहाँ हमारे कवर्धे जिले में कुमारी माता श्री नहीं बसी। अच्छा, तो हमारे आस पास में भी कवर्धे जिले में आप? हाँ, किसी को लगता है मुझे। हाँ, सिर्फ कुमारी माता तो यही बस है, और इधर सबका जो उपका है हर चीज, वो सबका शादी हो गया। अच्छा, तो जैसे एक कतरों में भी है, तो उसका मतलब आप ही जैसा है कि आप जानते हो उसे? हाँ, से उधर से है जो? हाँ, दुर्गा जी। हाँ, दुर्गा जी जैसे, उसको मैं जानती हूँ, मेरे से मेरे ही जैसे है। तो देख सकता संगवारी हो, आज हम कुमारी माता ग्राम खरबना से है, उनखर से मिल के बहुत अच्छा लगी। और वो हमला अपन जो किए कीमत समय लगी से कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो चलो संगवारी को आप मल्ला नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं ना, वो यहाँ के हाल चाल है। तो अभी आज की वीडियो पूर्ण विराम देवता। तो जय माता जी।